मैं खुद एक मिडिल क्लास इंसान हूं, मैं भी कोई लैंडलॉर्ड कोई अमीर फैमिली से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करता। काविश, मेरे ख्याल से अभी मेरी आंख से ये पसीने का एक कतरा टपका है, तो मुझे लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंशाल्लाह काविश कबूल कर ली है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सब ब्रादरान? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और इस बीमारी से बचे हुए होंगे। अल्लाह सबको महफूज रखे जी। सो खैर व्यूअर्स, फिलहाल आज की इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है। आज हम जा रहे हैं यहाँ से जलालपुर जट्टा से आगे, हमारा एक आबाई गाँव है वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा सामान तकसीम करना था। आज इमरान भाई ने और हम सब ने मिलकर ये इरादा किया, ये फैसला किया कि हमारे गाँव से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक दूसरा गाँव है, वहाँ पे ज्यादातर लोग वो दिहाड़ीदार हैं, यानी कि वो दिन को अपने घर से मेहनत मजदूरी के लिए बाहर निकलते हैं, तभी वो मेहनत करके कुछ रिस्क इकट्ठा करते हैं और अपने बीवी बच्चों को रात को आके उनका पेट पालते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं आगे सफर कैसा रहता है, दुआ करें चूंकि लॉकडाउन है, दुआ करें सफर भी अच्छा गुजर जाए। वहाँ पे चलते हैं जी, जलालपुर जट्टा से आगे गांव है हमारा भाई गांव कस्सों की और मोजो की, वहाँ पे जा रहे हैं, आइए हमारे साथ चलें। चूँकि इस वक्त सारे का सारा पाकिस्तान बिल्कुल लॉकडाउन है, सारी जगह हर सड़क हर गली लॉकडाउन है, सो इसी वजह से भी काजम भाई हमारे साथ हैं। हमारे पास अपनी छोटी गाड़ी है, उसमें सामान इतना ही आएगा, सामान तो अभी और भी है इंशाल्लाह, फिर वो दूसरी किस्त में पहुंचा देंगे। तो आज ये थोड़ा सा सामान है जो हम लेके जा रहे हैं वहाँ पर।